हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे कीबोर्ड के एरर प्रॉब्लम है तो एरर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस प्रकार से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते जो हमारे फ़ोन के ऑल आइकन्स हैं इस तरीके से बनाते हैं, इसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पर। तो क्लिक करते जो हमारे फ़ोन की सेटिंग्स इस प्रकार से ओपन हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऐप मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना आपको। इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते जो हमारी फ़ोन की ऐप लिस्ट है ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन के ऑल ऐप्स हैं इसमें शो हो गए हैं। इसमें से आपको क्लिक कर देना है जीबोर्ड ऐप्स पे। तो क्लिक करते जो हमारी जीबोर्ड सेटिंग्स ओपन हो गई है। इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है कि हम अपने फ़ोन की कीबोर्ड एरर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो जो भी हमारा कीबोर्ड का डाटा होता है हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते जो हमारा कीबोर्ड डाटा है हमारे फ़ोन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर करते जो हमारी कीबोर्ड एरर प्रॉब्लम है हमारे फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस पर हम फ़ोन की सेटिंग्स पर आकर कीबोर्ड एरर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।